विद्यार्थियों नमस्कार, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की आज की जो क्लास है अपनी, वो होगी अपना जो लेसन, नया लेसन चल रहा है राज्य स्तरीय एवं स्थानीय शासन, स्थानीय शासन 73वें व 74वें संविधान संशोधन। राज्य स्तरीय एवं स्थानीय शासन, एक तो राज्य स्तर के बारे में पढ़ेंगे हम, क्या वर्तमान में राज्य स्तरीय शासन क्या चल रहा है। स्थानीय शासन स्थानीय स्तर पर तीन स्तर होती हैं, जैसे अपने संघ स्तर पढ़ लिया सबने, केंद्र जिसको आप केंद्र भी कहते हैं, दूसरा राज्य स्तर जो यहाँ अध्ययन करेंगे हम, और तीसरा स्थानीय स्तर। ओके, तीन हो गए, संघ स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर, ठीक है। तो एक इनके बारे में अध्ययन करेंगे हम। तो इस लेसन में हम सबसे पहले राज्य स्तर के बारे में पढ़ेंगे। राज्य प्रशासन, क्या पढ़ेंगे भाई? राज्य प्रशासन भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है भाई? संसदीय शासन व्यवस्था है। अब आपको संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन के बारे में याद हो अगर आपको, तो मैंने कुछ बिंदु बताए थे, वो सुन लो एक बार। सर बताओ, संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, बताया था। चलो साहब, एक बात। दूसरी बताई होगी, शक्तियों का विभाजन होता है, शक्तियों का विभाजन होता है, बताया था क्या आपको मैंने? केवल शक्तियां किसी एक के पास नहीं होती संसदीय शासन व्यवस्था में, एक नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक। नाम मात्र की शक्तियां राष्ट्रपति के पास और वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल के पास, ऐसा आपने पढ़ा है। चलो साहब, तो संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में ये आपने पढ़ा था, शक्तियों का विभाजन आ रहा है यहाँ, पढ़ लिया। चलो, केंद्रीय संघ सरकार की तरह ही राज्यों की भी अपनी सरकारें होती हैं। जिस प्रकार केंद्र सरकार या संघ सरकार की सरकारें होते हैं, उसी प्रकार राज्यों की भी अपनी क्या होती हैं? सरकारें होती हैं। राज्य सरकार सरकारें भी संसदीय
व्यवस्था का ही पालन करती है। राज्य सरकारें भी क्या करती हैं? संसदीय व्यवस्था का ही पालन करती हैं। राज्यों में नाम मात्र की शक्तियां राज्यपाल को तथा वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री तथा मंत्रिमंडल को दी गई है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, बता दिया आपको, दो चीज, दो ही संसदीय और अध्यक्षीय। संसदीय शासन व्यवस्था भारत में है, अध्यक्षीय ब्रिटेन, ब्राजील, बताया था मैंने आपको। केंद्रीय संघ सरकार की तरह ही राज्यों की भी अपनी सरकारें होती हैं। राज्यों की भी अपनी क्या होती हैं भाई? सरकारें होती हैं। राज्य सरकारें भी संसदीय व्यवस्था का ही, राज्य सरकारें भी संसदीय व्यवस्था का ही पालन करती हैं। राज्यों में नाममात्र की शक्तियां राज्यपाल को तथा वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री तथा मंत्रिमंडल को दी गई हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में बताया गया है यूनियन ऑफ स्टेट। क्या कहा गया है? यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। मतलब, कहने का मतलब यह है कि विभिन्न राज्यों को मिलाकर के भारतीय संघ का गठन किया गया है। ये समझ नहीं है आपको कि भारतीय संविधान में बाकायदा ये चीज उल्लेखित है कि विभिन्न राज्यों को मिलाकर के संघ सरकार का गठन किया गया है। अनुच्छेद 153 में राज्य में राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया है। क्या उल्लेख किया गया भाई? दूसरी, अनुच्छेद 154 में वर्णित है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी।
अनुच्छेद 155 में वर्णित है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यह बताया गया है कि राज्य में राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा। 154 में कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, और अनुच्छेद 55 में वर्णित है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, भाई राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्य प्रशासन को सुविधा के लिए विभिन्न जिलों में बांटा गया है। राज्य प्रशासन को सुविधा के लिए विभिन्न जिलों में बांटा गया है। प्रत्येक जिले को जिलाध्यक्ष द्वारा या क्या कह सकते हैं कलेक्टर संभाला जाता है। राज्य तथा स्थानीय शासन के मध्य जिला व जिलाध्यक्ष कड़ी का कार्य करता है। राज्य तथा स्थानीय शासन के मध्य राज्य और स्थानीय शासन, बिल्कुल स्थानीय शासन मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट इसी में अपने लेसन में टॉपिक में दे रखा है कि स्थानीय शासन क्या होता है, इसे 33वें और 34वें संशोधन में किस तरीके से अलग अलग डिवाइड किया गया है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा टू द पॉइंट। तो एक बार यही समझें कि मध्य जिला व जिलाध्यक्ष इनके मध्य सुनो आपने भी पढ़ा संघ स्तर तीन हो गए, संघ स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर। अब इन राज्यों में जिला स्तर पर भी इसके नीचे भी जैसे मान लो ये हो गया तो ये भी तीन हो गए स्थानीय स्तर पर, ठीक है। तो ये तो हो गया स्थानीय स्तर है ही, इनके और इनके बीच में ये कड़ी का काम करता है कौन, जिला स्तर। इनकी सूचना यहां तक पहुंचाता है या इनके विकास का जिम्मा इन्हीं का होता है। राज्य प्रशासन की विशेषताएं, राज्य प्रशासन की विशेषताएं, राज्य प्रशासन का स्वतंत्र अस्तित्व, राज्य प्रशासन का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, राज्य प्रशासन का स्वतंत्र अस्तित्व होता है।
अंदर पर निर्भर के अंदर पर निर्भर आपातकाल के दौरान केंद्रीय प्रशासन के अधीन आपातकाल के दौरान केंद्रीय प्रशासन के अधीन आपातकाल के दौरान केंद्रीय प्रशासन के अधीन हाँ तो विद्यार्थियों राज्य प्रशासन की विशेषताएं देख रहे थे हम। राज्य प्रशासन का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, मतलब राज्य अपने आप में क्या होते हैं भाई, स्वतंत्र होते हैं, ये किसी के अधीन नहीं होते। हालांकि भारतीय संविधान में एक बात कही गई है, यूनियन ऑफ स्टेट भारत राज्यों का संघ है, लेकिन विभिन्न राज्यों को मिलाकर के बना है। ये नहीं कहते कि सभी राज्य केंद्र के अधीन रहेंगे, ऐसा नहीं है। राज्य अपने विकास के लिए स्वतंत्र हैं और वे अपने विकास के जो भी तैयारियां करनी है या विकास की रूपरेखा तैयार करनी है वो राज्यों की जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। तो एक तो अपने आप में उनका अस्तित्व जो है वो स्वतंत्र है राज्यों का, केंद्र पर निर्भर। दूसरी चीज ये है कि अपने विकास के लिए जो आर्थिक बजट है या विकास की जो योजनाओं के लिए जो पैसा आता है उनके लिए किस पर निर्भर है भाई, केंद्र पर निर्भर है राज्य। आपातकाल में केंद्र के अधीन, जब भी आपातकाल लगता है, आपातकाल आपने पढ़ा है राष्ट्रपति की शक्तियों में कि अनुच्छेद 352, 356 और 360 ये पढ़ा है ना आपने। तो 352 में आपने पढ़ा होगा कि जैसे ही आपातकाल लगता है सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती हैं, ठीक है। तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि पूरे चाहे किसी भी राज्य में चाहे उस संबंधित केंद्र की सरकार हो चाहे अलग हो, 356 राज्य प्रशासन में विधानसभा निलंबित हो जाती है और सारी शक्तियां राज्यपाल राष्ट्रपति के आदेश से काम में लेता है। 360 भी आपातकाल लगा नहीं, तो केंद्रीय प्रशासन के अधीन हो जाता है, ठीक है। एक चीज तो ये पृथक संविधान का भाव, राज्यों का पृथक संविधान नहीं है, मतलब किसी भी राज्य का अलग संविधान नहीं है। था किसका, जम्मू कश्मीर का। किस राज्य का था भाई, जम्मू कश्मीर का था, परंतु वर्तमान में जम्मू कश्मीर को पिछली 5 अगस्त 2019 को किस में मिला दिया था भाई, मतलब जो पीओके वगैरह जिसको जैसे मान लो विवाद अभी चल रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में 370 उठा करके और पूर्णतया इसको एक राज्य का दर्जा दे दिया गया, प्रेजेंट में ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो कहने का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था लेकिन अब वो भारत के संविधान, भारत का संविधान ही पूर्णतया लागू हो गया वहाँ, एक चीज। दूसरी बात, किसी भी राज्य का अपना अलग संविधान नहीं है, उसे केंद्र के संविधान या हमारा जो भारतीय संविधान है वही मानना पड़ता है। जन सहभागिता पर आधारित, राज्यों का जो प्रशासन है किस पर टिका हुआ है, जन सहभागिता, जनता का विकास या जनता की सहभागिता या जनता की भागीदारी पर टिका हुआ है। सचिवालय प्रशासन की धुरी, प्रशासन की धुरी, जैसे विद्यार्थियों कहने का मतलब जैसे हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री, हमारा प्रशासनिक जो टीम है जैसे सी एस सचिव, जैसे मुख्य सचिव है, या हमारी जो अन्य टीम है वो कहाँ बैठते हैं भाई, सचिवालय में बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं, सचिवालय में, और सचिवालय से ही संपूर्ण प्रशासन को संभाला जाता है। मुख्यमंत्री केवल योजनाएं बनाता है, उन योजनाओं को अमली जमा पहनाने का काम या वास्तविक रूप प्रदान करने का काम किसका है, मुख्य सचिव का। मुख्य सचिव अपने निम्न अधिकारियों से के साथ मिलकर के उसको वास्तविक रूप प्रदान करता है। स्थानीय प्रशासन, राज्य प्रशासन के अधीन स्थानीय प्रशासन कौन सा, गाँव का, तहसील का और जिलों का, इन तीनों का प्रशासन किसके अधीन होता है भाई, राज्य प्रशासन के अधीन होता है। तो ये जो आपने पढ़ी है अभी क्या पढ़ी है भाई, राज्य प्रशासन की विशेषताएं पढ़ी हैं। देखो विद्यार्थियों, राज्य का वैधानिक,
वैधानी का मतलब होता है नाम मात्र, मतलब संविधान द्वारा सिर्फ राज्यपाल को, या फिर आप कह सकते हैं राज्य का वैधानिक प्रधान राज्यपाल को माना जाता है। केंद्र की तर्ज पर राज्य में नाम मात्र की शक्तियां राज्यपाल ही प्रयोग करता है। वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री तथा मंत्रिमंडल के पास होती है। नाममात्र की शक्तियां राज्यपाल ही प्रयोग करता है, वास्तविक शक्तियां राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिमंडल होता है। वह अपने अधिकतर कार्य उसी की सलाह से करता है। ओके, राज्य का वैधानिक प्रधान नाम मात्र का प्रधान कौन है भाई? राज्य का वैधानिक प्रधान राज्यपाल को माना जाता है। केंद्र की तर्ज पर, केंद्र की तर्ज पर राज्य में नाम मात्र की शक्तियां राज्यपाल ही प्रयोग करता है। वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री तथा मंत्रिमंडल के पास होती हैं। राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिमंडल होता है। वह अपने अधिकतर कार्य उसी की सलाह से करता है। राज्यपाल की स्थिति की बात कर रहे हैं हम। राज्य में राज्यपाल की वही स्थिति होती है जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं न करके मंत्रिमंडल की सलाह से करता है।
किसकी सलाह से करता भाई? मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। वह राज्य प्रशासन में नाम मात्र का शासक होता है। वह राज्य प्रशासन में नाम मात्र का शासक होता है। हाँ तो विद्यार्थियों, करने का मतलब अगला अपना जो टॉपिक है वो है राज्यपाल की बदलती भूमिका। वर्तमान में राज्यपालों की जो भूमिका है वो लगातार बदल रही है। मुख्य मंत्रियों का कमजोर व्यक्तित्व है, समझाऊंगा। राज्य सरकारों के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होना, गठबंधन की विखंडनकारी प्रवृत्ति होना, चौथा दल बदल की प्रवृत्ति व राजनीतिक अस्थिरता होना। क्षेत्रीय दलों का शक्तिशाली होना। सुनो भाई, राज्यपाल की बदलती भूमिका, राज्यपाल की भूमिका लगातार बदल रही है, इसके कारण है ये। कई बार इसे छोटा दो नंबर का क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल की भूमिका लगातार बदल रही है, इसके कारण बताइए कोई दो चार, है ना। मुख्यमंत्रियों का कमजोर व्यक्तित्व, एक तो आजकल जो मुख्यमंत्री हो रहे हैं उनका व्यक्तित्व है, उसकी पर्सनैलिटी लगातार कमजोर होती जा रही है, ठीक है। बोले ये भी एक कारण रहा है राज्यपालों की भूमिका। अगर मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व कमजोर होगा तो कौन हावी होगा? राज्यपाल हावी होगा। राज्य सरकारों के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होना, राज्य सरकारों के पास क्या नहीं है भाई? स्पष्ट बहुमत नहीं है, गठबंधन सरकारें बढ़ रही हैं साहब। स्पष्ट बहुमत होगा तो मुख्यमंत्री दबंग होगा, उसके पास मतलब बोलने को जगह होगी और वो अपने किसी भी तरीके से अपना फैसला मनवा सकता है। अगर उसके पास स्पष्ट बहुमत नहीं है तो वो क्या रहेगा? कमजोर। अब नीचे देखो, गठबंधन की विखंडनकारी प्रवृत्ति होना, लगातार क्या हो रहे हैं? गठबंधन हो रहे हैं। अब अक्सर क्या करते हैं विपक्षी सरकारें, गठबंधन में से कुछ सीटें तोड़ने के चक्कर में रहती हैं, कि जैसे भी गठबंधन का जो निश्चित बहुमत का आंकड़ा है उसमें से दो चार सीटें तोड़ ली जाए तो ये सरकार सत्ता पक्ष गिर जाए, और इसके चलते मुख्यमंत्री सदैव उन सदस्यों के दबाव में रहता है सदैव, ठीक है, और उनकी मनमानी का शिकार होता रहता है, और लगातार इस मनमानी के चक्कर में मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व भी लगातार कमजोर होता जाता है। दल बदल की प्रवृत्ति और राजनीतिक अस्थिरता और दल बदल पड़ना। आजकल क्या है, जैसे दल बदल लेना, जैसे निर्दलीय है या फिर अन्य है, अन्य जो छोटे दल हैं वो भी अपना दल बदल करके सत्ता पक्ष में आ जाते हैं, और निर्दलीय है पहले जैसे किसी भी पद या लोभ लालच मिला तो एक दल में, और जैसे ही वहां से उसे लगे कि मेरे को अच्छे से खाने पीने को या मंत्री पद नहीं मिल रहा तो वो उसे छोड़ करके दूसरे में चला जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया भाई? दल बदल हो गया। और एक है क्षेत्रीय दलों का शक्तिशाली होना, लगातार क्षेत्रीय दल क्या हो रहे हैं भाई? शक्तिशाली हो रहे हैं, ठीक है। हर राज्य में क्षेत्रीय दलों का बोलबाला है। आप कहेंगे सर क्षेत्रीय दल केंद्रीय दल ये क्या है? क्षेत्रीय दल नहीं बेटा, ये होता है राष्ट्रीय दल,
एक तो होता है राष्ट्रीय दल, जैसे आपने पढ़ा कांग्रेस, भाजपा, बसपा, ये क्या है, सारे राष्ट्रीय दल हैं, और भी हैं, ठीक है, सीपीआई, सीपीआईएम, है ना, हाँ ये राष्ट्रीय दल हैं। क्षेत्रीय दल, जैसे एक तो मैं राजस्थान की बता दूं, जैसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल राजद पढ़ा था क्या आपने, ठीक है, सपा, अकाली दल, शिवसेना, है ना, डीएमके, पीडीपी, ये दलों के, ये क्षेत्रीय दल है सारे, जिनको आप राज्य दल भी कह सकते हैं, ये इनको क्या कह सकते हैं आप, राज्य दल भी कह सकते हैं, क्षेत्रीय दल। तो ये रीजन रहे हैं किसके, राज्यपाल की भूमिका बदल रही है, मुख्यमंत्री ताकतवर होगा, राज्यपाल की स्थिति कमजोर होगी, सत्ता में बहुमत नहीं है मुख्यमंत्री के पास, राज्यपाल के पास स्वतः ही पावर आ जाएंगी और राज्यपाल अपनी मनमर्जी करने लग जाएगा, स्पष्ट बहुमत नहीं होगा तो भी मनमर्जी करेगा, अगर विभिन्न दलों को मिलाकर गठबंधन सरकार बनाई गई है तो भी, तो ये लगातार राज्यपालों की जो शक्तियां हैं उनमें परिवर्तन हो रहा है, उसकी जो भूमिका है वो लगातार बदल रही है, ठीक है, और राज्यपाल अब विवेक के बजाय केंद्र के आदेश पर कार्य करता है, अगर केंद्र, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह मान्य होती है, उनके इशारे पर काम करता है वो, ठीक है, अब वो उनको अच्छा कहते हैं, तो अक्सर देखा जाता है, नेक्स्ट हम टॉपिकों में पढ़ेंगे कि राज्यपाल का पद केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा या कारण होता है। तो विद्यार्थियों, कहने का मतलब ये है, राज्यपाल की भूमिका लगातार बदल रही है, राज्य प्रशासन के बारे में हमने पढ़ा है कि केंद्र की तर्ज पर राज्य में भी संसदात्मक शासन प्रणाली होती है जिसमें नाममात्र की शक्तियां राज्यपाल के पास होती हैं और वास्तविक शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। राज्यपाल की सलाह के लिए मुख्यमंत्री व उसका मंत्रिमंडल होता है, उसकी सलाह से ही वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, ठीक है, नाममात्र की शक्तियां राज्यपाल के पास होती हैं और बाकायदा उल्लेख किया गया है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट कल देखते हैं।